भागलपुर लोकसभा में टिकट के लिए एनडीए गठबंधन में शामिल जदयू पार्टी के सांसद और विधायक में जहां टिकट के लिए मारामारी हो रही है, वहीं गठबंधन में शामिल जदयू सांसद अजय मंडल और गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल के बीच टिकट के लिए बयानबाजी का युद्ध भी शुरू हो गया है। गोपालपुर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर कहा कि पॉकेट में टिकट है, जिसको लेकर भागलपुर सांसद अजय मंडल में खलबली मच गई। और आनन फानन में सांसद अजय मंडल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि भागलपुर लोकसभा सीट के लिए टिकट की दावेदारी ठोकने वाले विधायक को पॉकेट में है टिकट जैसे बयानों से परहेज करना चाहिए। जबकि सांसद अजय मंडल ने कहा कि हम पार्टी के सिपाही हैं, पॉकेट में टिकट वाली बात कहना पूरी तरह से मूर्खता है, ऐसे बयानबाजी वाले विधायक को परहेज करना चाहिए। कन्फर्म है, कितना बोलिएगा भाई, किसको टिकट मिलेगा? टिकट हमको मिलेगा और किसको मिलेगा? अजय मंडल बोला हमको मिलेगा। ठीक है, मिले, अरे सिटिंग कैंडिडेट है, उन्हीं को दे देगा, उनका चुनाव हम लड़ेंगे। ये है लालू यादव हम लोगों के आका है, बैकवर्डों का मसीहा था, बातचीत होता है। तो क्या लोकसभा चुनाव में आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे क्या? अब किससे लड़ेंगे? पॉकेट में मेरे पॉकेट में है, सिंबल मेरे पॉकेट में है, छोड़ दीजिए कहाँ से लड़ेंगे। हम जदयू का लोग हैं, गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे? मैं ये काम करना है और पार्टी अपने आप आपको कहाँ ले जाना है, पार्टी को कहाँ पहुँचाना है, नेता को कहाँ पहुँचाना है आपको, नेता उसको खुद वो खुद, क्योंकि जो पूरे राज्य को प्रदेश को का नेतृत्व कर रहे हैं उनके नेतृत्व में हम क्या चीज़ हैं? हम बहुत एक छोटा सा कली है, उसके लिए बहुत छोटा सा अंग है। वो हमारे लिए भी सोचेंगे, आपके लिए भी सोचेंगे, जनता जो जनता के एक एक निचले स्तर के लिए हमारे नेता सोचते हैं तो हमारे लिए भी सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वहाँ तक हमको सम्मान कर दे रहे हैं, हमको आदरपूर्वक वहाँ बैठा रहे हैं, हम उनसे बाहर कहाँ जा सकते हैं। अपने विवादित बयान से चर्चा में रहने वाले जदयू के और नीतीश कुमार के चहेते बड़बोले नेता गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल आज भागलपुर समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कई बातें कही। परिवारवाद को लेकर उन्होंने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद पर लालू यादव क्या बोलेंगे। लालू यादव खुद काफी सीधे हैं, छात्र जीवन में ही उनकी शादी कर दी गई थी, तब उनको विशेष जानकारी नहीं थी। इसके आगे उन्होंने लालू यादव के लिए जो कहा उसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। गोपाल मंडल यही नहीं रुके, उन्होंने खुद को भी नहीं छोड़ा। देखिए परिवार लेके क्या हमला करेगा, हम सीधे शब्दों में बोलते हैं। लालू जी सीधे, छात्र जीवन में उनका शादी करा दिया गया और नहीं विशेष नहीं जानकारी के कारण बहुत बाल बच्चे पैदे कर लिए, अपना फौज तैयार किए, इसमें दिक्कत क्या है? हम भी चार बच्चा पैदा किए हैं, दो लड़का दो लड़की, तो क्या करेंगे, हो जाता है। वहीं विधायक गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के देहांत के बाद उनके द्वारा बाल नहीं कटाए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं, सबों की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन हिंदू संस्कार में परिवार में किसी का देहांत होने के बाद बाल जरूर बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी आरएसएस के लोग हैं, हो सकता है आरएसएस के लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग तो करते ही हैं। वो तो बड़े लोग हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, हम छोटे लोग हैं। बाल तो कटाने का हिंदू का परंपरा है, बाल कटना चाहिए, नाखून कटना चाहिए, कपड़ा बदलना चाहिए, ये सब है। अब अपने अपनी सोच, मोदी जी नहीं बाल कटाए, क्या कारण है नहीं है, वो भी आरएसएस के लोग हैं, नहीं मानते होंगे इसको, लेकिन हिंदू बात तो करते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने लालू यादव के द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी को लेकर लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार को उन्होंने और उनकी पार्टी ने अंजाम दिया, जिसके चलते उन्हें सत्ता से दूर होना पड़ा। उनकी टिप्पणी से एनडीए को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ ही लालू यादव आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन वो आरक्षण केवल उनके बेटी के लिए है, बेटा के लिए है, पत्नी के लिए है, जनता सब समझती है। हालात उनकी हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कई भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, सत्ता उनसे दूर होती चली गई। इस बार वो महागठबंधन की सरकार बनाने में सफल हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी समय से चेत गए और फिर अब हमेशा के लिए उन्होंने एनडीए के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है। तो उनके टिप्पणियों से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका पूरा भारतवर्ष एक परिवार है,
और लालू प्रसाद जी तो परिवारवाद के पोषक हैं, उनका जो आरक्षण है वो आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उनका आरक्षण अपनी पत्नी तक सीमित है, उनका आरक्षण अपने पुत्र तक सीमित है, उनका आरक्षण अपनी बेटी तक सीमित है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुरुवार को जागरूकता स्वास्थ्य जांच एवं सम्मान समारोह का आयोजन हार्मोन केयर जांच घर के सौजन्य से कोतवाली के समीप द्वारिकापुरी कॉलोनी में किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सभी महिला पार्षद मौजूद रहीं। वहीं कार्यक्रम के दौरान सबों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी किया गया व कई क्षेत्रों में विशिष्ट काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। आज महिलाओं के सम्मान के लिए महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सारे हमारे जितने भी पार्षद हैं उनका स्वास्थ्य जांच प्लस सम्मान समारोह के लिए यहाँ बुलाया गया है, और इस तरह का आयोजन करके हम बहुत खुश हैं कि हमारी महिला पार्षद हैं वो किस तरह से सशक्त होंगी और अपने वार्डों का सेवा कर सकेंगी, इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया है। मैं संदेश देना चाह रही हूँ कि खुद स्वस्थ रहें और अपने परिवार को, अपने समाज को और पूरी जनता को, भागलपुर की पूरी जनता को अपना सेवा दें, और जो भी आप करती हैं उसका पूरा लाभ हमारी जनता को मिले। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो महिला सशक्तिकरण की सशक्त हस्ताक्षर जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं नगर निकाय नगर निगम भागलपुर में, उन सभी के साथ हम लोग अपने अभी तक के लाइफ में जनता से रूबरू होने के क्रम में हम लोगों ने क्या समस्याएं देखी, उसका किस प्रकार से निराकरण करते हैं, उस चीज़ों को साझा करेंगे, और सभी लोग आज के इस अवसर पर हम सभी लोगों से अपील करेंगे जो महिला जनप्रतिनिधि हैं वो अपने काम स्वयं करें, अपने निर्णय स्वयं लें और जनता से सीधे कनेक्ट हों, ताकि जो एक महिला की एक ताकत होती है वो सबको समझ में आए। और आज के इस कार्यक्रम में सब रंगारंग कार्यक्रम भी होने हैं, यहाँ पर गेम भी होने हैं, मतलब पॉलिटिक्स से थोड़ा इतर, मतलब कि सबका कुछ पर्सनल लाइफ भी होता है, उसको भी इंजॉय करना चाहिए, तो उस नाते और भी कार्यक्रम रखे गए हैं, और इसमें जो है प्रश्नोत्तरी है, यानी कि नगर निकाय जो अधिनियम है हमारा उससे संबंधित हमारी प्रतिनिधियों को जानकारी है कि नहीं, उस संदर्भ में प्रश्नोत्तरी भी का भी कार्यक्रम है, उसके पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम है, और हम सब लोग व्यंजन का लुत्फ एक साथ उठाएंगे, यही कुल कार्यक्रम है। इस पूरे कार्यक्रम में सभी हमारे 31 जो हमारी नारी शक्ति है नगर निगम की इंक्लूडिंग मेयर, सब लोग हम लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब आपको पता है कि महिलाएं स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक नहीं हो पाती हैं, तो आज इस कैंप के माध्यम से चूंकि हमारे महापौर भी चिकित्सक हैं तो चिकित्सा शिविर भी लगा है, उसमें स्वास्थ्य परीक्षण किए जा रहे हैं, हीमोग्लोबिन की जांच हो रही है, बोन डेंसिटी, ब्लड प्रेशर, उसके अलावा भी और अन्य जाँच भी इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से कराया जा रहा है, उसके बाद फिर हमारा कार्यक्रम। भागलपुर प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में भागलपुर जोन में कार्यरत महिला कर्मी को उनके विशेष कार्य कुशलता के लिए मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके पहले कार्यक्रम में आए कृष्ण कलायन केंद्र की संस्थापिका श्वेता सुमन और महिला उद्यमी शिखा MJ का स्वागत पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर किया गया। इस कार्यक्रम में कृष्ण कलायन कला केंद्र की संस्थापिका द्वारा स्वरचित पोस्ट ऑफिस के द्वारा विभिन्न योजनाओं पर आधारित
अंगिका गाने का लोकार्पण पोस्ट मास्टर जनरल मनोज कुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों पदाधिकारी व बड़ी तादाद में कर्मचारी मौजूद थे। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं इतने दिनों से इस विभाग में काम कर रही थी, इसके पहले इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी मुझे। तो आज मेरे ब्रांच में अच्छे काम के लिए मुझे आदरणीय पीएमजी सर ने सम्मानित किया। मैं स्टाफ ब्रांच का कार्य देखती हूँ जो विभाग की नियुक्ति स्थापन आदि कामों को देखता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है कि मुझे इसका हिस्सा होने की अपॉर्चुनिटी मिली। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का गुरुवार को उनके आवास पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के इस कार्यक्रम पर कांग्रेस के भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व युवा कार्यकर्ता मौजूद थे। जन्मदिन के अवसर पर भावुक होकर अजीत शर्मा ने कहा कि मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं ने आज मेरा जन्मदिन मनाया है। मैं लगातार 3 टर्म से विधायक रहा हूं और जनता की आवाज को पूरे मजबूती के साथ सदन में मैंने रखने का काम किया है। साथ ही मेरा हर संभव प्रयास होगा कि जनता को उनकी परेशानियों से उन्हें निजात दिला सकूं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप लोग का जो सपोर्ट है, आप लोग जिस तरह से मुझे उत्साहित करते रहते हैं, मैं ये जन्मदिन सिर्फ आप लोग कार्यकर्ताओं के वजह से, आप लोग की वजह से ये मनाया जाता है हर वर्ष। और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आप लोग इतने उत्साहित है कि मुझे भी उत्साहित करते काम करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सम्मान आपने दिया है पूरे भागलपुर की जनता को, हम बधाई देते हैं कि आपने 3 बार जिता के मुझे आपने सेवा करने का मौका दिया। आपकी आवाज हम सदन में ईमानदारी से बने हैं और आगे भविष्य में भी पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ आपकी आवाज बनता रहूंगा और आपका काम कराते रहूंगा। फिर भी आपने आज जन्मदिन के अवसर पर हमें इतना शुभकामना दी, बधाई दी, मेरे लंबी आयु की कामना की, मेरे स्वस्थ रहने की कामना की, इसके दिल की गहराई से आप सभी को, पूरे भागलपुर वासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूं। भागलपुर के पीरपैती प्रखंड क्षेत्र के 12 पंचायत के गांधीनगर वार्ड नंबर 4 में जल नल योजना रहने के बावजूद भी वर्षों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। विधायक से लेकर जनप्रतिनिधि का ध्यान गरीब जनता की ओर नहीं है। आखिर सरकार की कौन सी ऐसी कमी है जिसके कारण वर्षों से पानी की व्यवस्था गांधीनगर में नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि कुएं का पानी भी काफी गंदा है और उसमें कई तरह के कीड़े मकोड़े पाए जा रहे हैं। लाचार होकर लोगों को पानी फिर भी पीना पड़ता है और इस पानी से भोजन एवं स्नान भी करना पड़ता है। इससे आयुष मुन्ना साह, रानी देवी, अरुणा देवी, शारदा देवी एवं साहित्यकार डॉक्टर दीपंकर के अलावे सैकड़ों लोगों ने एक स्वर में कहा, दीपावली और छठ पर्व हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व होता है, इसके बावजूद भी पानी की मुकम्मल व्यवस्था यहां पर नहीं होगी तो हम लोग सड़क जाम कर देंगे। विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से केवल आश्वासन ही मिलता है कि जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम गरीबों की समस्या आखिर कौन सुनेगा। आज हमको लगता है कि 6-7 महीना पहले दुर्गा पूजा दीपावली के समय में हमने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन दिया था। इसके बाद कई पदाधिकारी को, पीएचडी विभाग को भी मैंने लिखित एक दिया था आवेदन यहाँ की जल नल योजना के संबंध में कि यहाँ टूट चुका है और यहाँ पानी नहीं आ रहा, काफ़ी गरीब घर की स्थिति है, चूँकि बहुत लोग इसमें साक्षर नहीं है, नहीं लिख पाते हैं। शिक्षा पदाधिकारी को दिए थे? नहीं, शिक्षा पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को, और इसके अलावे और अन्य पदाधिकारी, पीएचडी विभाग के भी पदाधिकारी, कोई मैडम के माध्यम से व्हाट्सएप पर भी भेजे थे, क्योंकि हम नाम नहीं जान रहे हैं। और इसके बाद जो भी पीएचडी विभाग के हैं सबको लिखित रूप से हमने भेजा था। और इसके बाद यहाँ के वार्ड मेंबर बबलू जी भी, वो लोग भी सब लोग गए थे हम लोग प्रखंड के पदाधिकारी के पास। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला कि बहुत जल्द काम होगा, लेकिन कितना दिन पहले दिए थे? आज दुर्गा पूजा के पहले ही दिए थे, क्योंकि दीपावली वगैरह, मतलब 6 महीना हो गया। हाँ, 6 महीना, 6 महीना से अभी तक कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। और आज हम फिर इधर से गुजर रहे थे, ये लोग काफी हमको बोले कि आप तो बोल के गए थे कि यहाँ पर होगा कुछ, तो हम निश्चित चाहेंगे। देखिए हमारे चूँकि विधायक महोदय भी व्यस्त रहते हैं, अगर थोड़ा सा उनसे भी निवेदन करेंगे कि हम थोड़ा सा उचाल लेंगे तो बहुत काम हो सकता है, क्योंकि व्यस्तम के कारण या उनके ध्यान में नहीं होगा, तो हम चाहेंगे विधायक महोदय तक भी हम।
सलारपुर खगड़िया के रहने वाले सुनील शर्मा अपने परिवार के साथ भागलपुर के जिच्छो गांव में ईदगाह के समीप किराए के मकान में रहते हैं। यहां रहकर वह गाड़ी चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। किसी काम से वह घर से बाहर गए थे, तभी अंधेरे का लाभ उठाकर चोरों ने इनके कमरे का ताला तोड़कर ट्रंक में रखे नकदी व हजारों का सामान और बाइक के कागजात को गायब कर दिया। ग्रामीण बताते हैं कि ईदगाह के पास नशेड़ियों का अड्डा रोज लगा रहता है। बहरहाल पीड़ित परिवार ने लोदीपुर थाने में लिखित शिकायत की है और शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। क्या क्या चोरी हुआ है? पैसा हुआ में 21,000 रुपया रहे, ओकर बाद कागज रे, गाड़ी के कागज भी नहीं छे, ने कोनो चीज एमे जबर और हम देखे जबर और नहीं छे, जबर भी गायब हो गया, ए सब चीज तोरी तो सब चीज बिखर लो छे। हम बोल रहे हैं अभी तक जरा पूरा देखिए, अभी कोरा जाएंगे, वही बहुत भाग ले आएंगे। क्या घटना घटी है? मेरा घटना है, हम घर गए हैं सर, उसके बाद जो है कि हम गए और जो है कि कैलू को हम चाबी मेन गेट के दिए थे और मेरा हम आज आए, उसके बाद मेरा ताला हुआ टूटा हुआ, उसमें जो 22,000 रुपया था, गाड़ी का कागज था सर, और आए देखे मेरा ताला टूटा हुआ है सर। कब किस समय आए थे? हम अभी तुरंत आए हैं सर, अभी तुरंत। मतलब क्या कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या चोर ले गया? ये जो 22,000 रुपया लिया, उसके बाद जो मेरा गाड़ी का कागज पूरा ले लिया है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत भवानीपुर देसरी पंचायत के देसरी महादेव मंदिर के प्रांगण में श्री राम कथा 9 दिवसीय कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री पूज्य देवी पुष्प किशोरी के मुखारविंद से कथा सुनकर देसरीवासी भक्तिमय हो रहे हैं। आज के कथा में कलयुग में जीवन के मुक्ति का साधन एकमात्र राम नाम ही है। प्रत्येक दिन 2 पाली में कथा ज्ञान महायज्ञ होता है, जबकि आज कथा के दूसरे दिन 1 पाली में भक्त अजमिल के प्रसंग को इसमें बताया गया। आज इस कथा में उपस्थित आचार्य रंजित विश्वास, सरपंच बिहारी यादव, सुजीत मंडल, अवध बिहारी, साह सखी चंद्र विश्वास, नारायण पंजियार, निरंजन विश्वास, नीरज कुमार, साथ ही उनके साथ साथ हजारों की तादाद में ग्रामवासी मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में महाशिवरात्रि को लेकर एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा 208 फीट का धर्म ध्वज लगाते हुए पूरे मंदिर परिसर में एलईडी लाइट एवं मार्बल लगाकर उसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। साथ ही अजगैवीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने महाशिवरात्रि को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तरवाहिनी गंगा का जल वैद्यनाथ धाम स्थानीय पुरोहित के द्वारा भेजा है, जो इस गंगा जल से महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती के विवाह कार्यों की पूजा पाठ में इसका उपयोग होगा। इसकी तैयारी पूरे धूमधाम से हर वर्ष की जाती है, इस वर्ष भी वैसा ही किया जा रहा है। स्थानीय थाना अध्यक्ष प्रियरंजन के द्वारा भी मंदिर परिसर से पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। नगर परिषद के द्वारा भी साफ सफाई युद्ध स्तर से किया जा रहा है। महाशिवरात्रि श्री पंत असनाम जूना अखाड़ा अजगैवीनाथ मठ सुल्तानगंज भागलपुर महंत प्रेमानंद गिरी, हर साल की तरह इस साल भी होगा और गंगा जल कल 81 को गया बाबा धाम और अंग वस्त्र दे करके ब्राह्मण के द्वारा भेजा जाता है और भेज दिया गया। कल का कार्यक्रम झांकी बाबा का उत्सव, बारात निकलती है और बारात घूम के शाम को आती है, तो उसके बाद ही पूजा पाठ बाबा का कार्यक्रम होता है, चार पहर का पूजा। तो कल बाजार शहर में जो है बारात निकलेगी और सुख शांति से बाबा अजगैवीनाथ की कृपा है, प्रशासन का व्यवस्था है और हमारे भी कार्यकर्ता लोग रहेंगे और सुख बाबा से यही दुआ है, सुख शांति से बाबा की बारात निकले और आवे और उनका जो चार पहर का पूजा विवाह उत्सव जो है सुख शांति से हो। एसपी सिंगला द्वारा जो है अपना सौंदर्यीकरण किया गया है, जो कि इसमें 200 फीट का जो धर्म ध्वजा है वो ध्वजा लगाया गया अपने सामने में है और कल इसका झंडा भी लगाया गया है और पूरा एरिया जितना भी है टाइल्स मार्बल आपका टाइल्स पत्थर लगाया जा रहा है और आपका लाइटिंग का भी व्यवस्था किया है, जो कि धर्म ध्वजा के ऊपर लाइट अपना 6 लाइट लगा गया है, जो कि रात में भी वो अपना जगमग करता रहेगा। दुल्हन की तरह सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है एसपी सिंगला, एसपी सिंगला और रेलिंग का भी सारा व्यवस्था किया गया और बैठने के लिए बेंच भी बनाया गया स्टील का।
भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत पुरैनी उत्तरी पंचायत में सरपंच संघ के अध्यक्ष बिहारी यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर के सभी निर्वाचित ग्राम कचहरी सरपंच की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई एवं पंचायत स्तर पर बनाए जाने वाले वंशावली प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी भी दी गई। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम कचहरी में पंचायत सचिव की उपस्थिति हेतु पत्र निर्गत कराना, ग्राम कचहरी द्वारा वाद में पक्षकार की उपस्थिति हेतु सरकार के आदेशानुसार समय पर चौकीदार की तैनाती कराना जैसे कई मांगों को इसमें रखा गया। बैठक में मौजूद सरपंच व उनके प्रतिनिधियों ने एक स्वर से इन सभी बिंदुओं का समर्थन किया। इस मौके पर अशोक पासवान, सुनील कुमार यादव, सूरज कुमार मंडल, रिंकू, सरपंच प्रतिनिधि समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। पुरैनी उत्तरी और दक्षिणी पंचायत के बीच में हम सारे सरपंच मीटिंग किए और मीटिंग में निर्णय यही लिया गया कि सबसे बड़ी बात है आज के डेट में वंशावली का। वंशावली में इतना कठिनाई हो रही है, इतना जनता परेशान है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है 10-15 दिन तक घूम के आते हैं, तब एक पंचायत सेवक जो है मिलता है कहीं पे, वो भी साइन नहीं करते हैं और सिर्फ दौड़ाते हैं। इसमें से बीडीओ साहब से भी हम मिले हुए हैं, बीडीओ साहब को भी बोले हैं, आज भी जो है पंचायत राज पदाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आप लोग के साथ मीटिंग करेंगे, लेकिन जनता तो उनको तो वंशावली चाहिए, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी में हम लोग मीटिंग रखे थे जिसमें कि सब सारे सरपंच उपस्थित थे और निर्णय लिया गया कि सबसे पहले वंशावली पे ध्यान दिया जाए